ये है डीप कूल की तरफ से आने वाला उनका FK120 3-in-1 नॉन आरजीबी फैन किट। अगर आप एक प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस नॉन आरजीबी फैन किट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, एंड अभी जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जल्दी से पहले बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। ऊपर आपको एक पैकेट मिलेगा जिसमें माउंटिंग स्क्रूज और फैन कंट्रोलर हब मिलेगा। उसके बाद आपको आपके 3 फैंस मिल जाएंगे एंड उसी के साथ एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलेगा। बाय द वे, ये एक ट्रिपल फैन किट है, बट आप एक सिंगल पीस भी अलग से खरीद सकते हैं एंड कंट्रोलर हब को भी आप सेपरेटली परचेस कर सकते हैं। मैं सभी का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो, अब बढ़ते हैं फैंस की तरफ। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फैंस है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक यूज़ हुआ है एंड कोई भी कट ऑफ या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। ये PWM फैंस है, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस फैंस है एंड इनका स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इनका PWM रेंज 500 से लेके 1850 RPM का है। अब यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं कि लोग सिर्फ RPM देख के फैन चूज कर लेते हैं, बट सिर्फ RPM नहीं, उसके साथ आपको CFM और मिनिमम RPM भी देखने का होता है। CFM मतलब मैं एयर फ्लो की बात कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ैन का CFM अच्छा नहीं है तो हाई RPM से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका CFM अच्छा नहीं है तो एयर फ्लो अच्छे से होगा ही नहीं आपके कैबिनेट के अंदर। वैसे ही अगर आपके फ़ैन का मिनिमम RPM हाई है तो आपका फ़ैन आइडियल कंडीशन में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एंड ज़ोर ज़ोर से घूमेगा तो नॉइज़ भी होगा। CFM और नॉइज़ लेवल्स की बात जब हो ही रही है तो इस फ़ैन के CFM और नॉइज़ लेवल्स के बारे में भी अब जान लेते हैं। ये फैंस 9 ब्लेड डिज़ाइन के साथ आते हैं एंड ये 69 CFM का मैक्सिमम एयर फ्लो प्रोवाइड करते हैं। मैं इन फैंस को अपने मेन PC में यूज़ करता हूँ फॉर मोर देन अ ईयर नाउ एंड ये बहुत ही बढ़िया एयर फ्लो प्रोवाइड करते हैं। नॉइज़ लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 28 डेसिबल्स तक जाते हैं अंडर फुल लोड, जो कि प्रॉपरली ऑडिबल है। बट अगर मैं आइडल एंड स्टैंडर्ड लोड की बात करूँ तो उस टाइम पर ये बहुत ही साइलेंट रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अंडर आइडल कंडीशंस ये कैसा साउंड करता है एंड अंडर लोड, ये मतलब अगर मैं फुल स्पीड पे कर दूँ तो ये फैंस कैसे साउंड करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में समवेयर द फैंस विल स्पिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने चेयर पे बैठा हूँ, जहाँ पे मैं यूजुअली बैठता हूँ। मेरा सिस्टम इस साइड पे रहता है इतनी सी दूरी पे एंड अभी आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में मैं अभी स्टैंडर्ड सेटिंग्स में रखा हूँ अपने फैन सेटिंग्स को एंड जितना आप सुन पा रहे हैं दिस इज़ द आइडल, लाइक क्या बोलूँ, जब ये सिस्टम आइडल पे रहता है तब इतना साउंड होता है। अगर आप फैंस का साउंड सुन पा रहे हैं तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ फैन नॉइज़ यू विल बी हियरिंग। एंड ये रहा मेरा माइक्रोफोन जहाँ पे मैं बैठता हूँ, यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे रखा है इतने डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे मैं रहता हूँ अपने CPU से। सो, अभी ये मशीन फुल लोड पे है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड माइक भी यही रखा हुआ है एंड सिस्टम वहाँ पे। तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, बट अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं माइक को और पास लेके जा रहा हूँ। अभी देखिए माइक बिल्कुल ही फैंस के सामने है। एंड मेरा थर्ड फैन ऊपर है तो साउंड तो करता है बट बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करता है एंड इसका एक रीज़न भी है साउंड ना करने का ज़्यादा। यहाँ पे बहुत अच्छे साउंड डैम्पनर्स का यूज़ किया गया है, चारों साइड में आपको बहुत मोटे मोटे रबर के साउंड डैम्पनर्स देखने को मिल जाएंगे एंड इन फैंस का वेट भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, तो चीप PWM फैंस के कंपैरिजन में इनका वेट थोड़ा ज़्यादा है एंड ये बहुत ही स्टर्डी है, वेल बिल्ट है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मैं प्रॉपरली सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट आज मैं आउट्रो रिकॉर्ड करना ही भूल गया हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप और भी ऐसे कंटेंट को एंजॉय कर सके। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए